आज के तीसरे नंबर पे जो ऐप है उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। इसके मदद से आप जो है वर्ड्स का और एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और पहले इंग्लिश से, यहाँ पर स्पेनिश है तो मैं इसे हिंदी कर देता हूँ। और हिंदी यहाँ पर मैंने कर दिया। और फिर टैप टू एंटर टेक्स्ट, और यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। और फॉग मैंने लिखा है यहाँ पर, कोहरा हिंदी में ट्रांसलेट होकर खा दिया। तो बहुत ही ईजी है, इसे यूज़ करना और बहुत ही काम का ऐप है। और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो आपको दिखाता हूँ, और ये है इसका हैंड राइटिंग। इसमें आप जैसे कॉपी में लिखते हैं, किसी पेज में आप लिखते हैं पेन से, वैसे आप यहाँ पर, जैसे मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हेलो मैंने लिखा और हिंदी में ट्रांसलेट होकर नमस्कार यहाँ पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान है इसे यूज़ करना और बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कोई, मैं तो अभी आपको जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और अगर हमें जैसे कोई अननोन लैंग्वेज, जैसे मेरे लिए है जापानी, चाइनीज़, ऐसे लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान होगा। और आपको और देखने को मिल जाता है कन्वर्सेशन और वॉइस फीचर। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। और जानते ही आप कि गूगल का ऐप और प्रोडक्ट हर चीज़ बहुत ही काम की होती है। और यहाँ पर आप जितने भी एड्स देखे होंगे इस ऐप के, गूगल डुओ के, उसमें सब में देखा होगा कि दिखाता है कि हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग, और ये सच बात भी है। और आप जानते हैं गूगल पे सभी लोग भरोसा करते हैं, और इस उस पर खड़ा उतरती भी है गूगल के सारे ऐप्स और प्रोडक्ट्स। तो मुझे भी पसंद है गूगल डुओ, मैं भी यूज़ करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि गूगल का ऐप है तो ईमेल तो मांगेगा ही, नंबर वो सब लगेगा, तो शुरुआत में वो सब मांगता है। और बहुत ही अच्छा ऐप है वीडियो कॉलिंग के लिए और हाई क्वालिटी। और देखिए दोनों को सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड और iOS दोनों को ही डिवाइस होंगे तो दोनों को ही सपोर्ट करता है। और इसमें बहुत ही सारे फीचर्स हैं। और सबसे अच्छी बात इस ऐप की जो है वो मुझे लगी कि ग्रुप चैटिंग जो है वो 4 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 8 पीपल, यानी कि जी हाँ दोस्तों, 8 पीपल एक संग बात कर सकते हैं एक समय। तो ये फ्रेंड्स जो कि कहीं के भी हों, स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स या जो भी फ्रेंड्स हों, तो उनके लिए बहुत ही काम का ऐप है, क्योंकि एक संग 8 लोग बात कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। और कोई फैमिली हो तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऐप है, यूज़फुल ऐप है। और देखिए ये एंड्रॉयड टैबलेट्स और आईपैड्स को भी सपोर्ट करता है। और इस ऐप की एक और जो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत ही पसंद है, वो ये है कि इसमें केवल रिकॉर्ड कर वीडियो ही नहीं शेयर कर सकते हैं, बल्कि वॉइस भी रहता है। और आप इस जो मैं डिवाइस अभी यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग का बहुत ही ओल्ड डिवाइस है, तो इसमें अवेलेबल नहीं है, वो नीचे आप देख सकते हैं वॉइस दिया है, वीडियो दिया है, मगर वहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा है। तो तीन तरह के दिए रहते हैं, आप टेक्स्ट भी कुछ लिख कर शेयर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है इस ऐप। तो इस वीडियो का जो नंबर वन ऐप है वो है गूगल का ये कीबोर्ड, और ये बहुत ही अच्छा सा कीबोर्ड है आपको, जो कि प्ले स्टोर में आराम से अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है 6 ऑप्शंस, आप देख सकते हैं। पहला में सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज दिया हुआ है, तो पहले दो जो ऑप्शन है उनसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे में कीबोर्ड है जिसे आप दबाएंगे तो
यहाँ पर दिया रहेगा। साउंड ऑन की प्रेस यानी कि दबाते आप जैसे ही दबाएंगे तो कोई भी की को दबाएंगे तो आवाज़ आएगा प्रेस करने पे, की प्रेस करने पे एक साउंड आएगा। और जो थीम है सबसे ऊपर वो आमतौर पर हर कीबोर्ड ऐप में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही कॉमन है। मैंने यहाँ पर डार्क थीम चूज़ की हुई है, आप कोई और भी कर सकते हैं या ऐसा ये भी ऑप्शन दिया हुआ है माई इमेज, वहाँ से जाकर आप गैलरी से कोई भी अपना फ़ोटो या जो जिस तरह का भी आपको थीम चाहिए कोई डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं कीबोर्ड पे। तो मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये गूगल का कीबोर्ड। यहाँ पर चलिए हम यूट्यूब खोलते हैं, और यूट्यूब नेट थोड़ा स्लो है तो टाइम लगेगा खुलने में, और चलिए खुल ही गया। और सर्च बार में जाकर आप ये सर्च करिए बेसिक टैबलेट, और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर दबाइए और ये लोड हो रहा है, टाइम लग रहा है लोड होने में, और यहाँ पर आ गया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बेसिक टैबलेट, और जितना आनंद आता है आप लोगों को गूगल के प्रोडक्ट्स और ऐप्स को यूज़ करने में उतना ही आनंद आएगा आप लोगों को ये रेड बटन दबाने में। और दबाइए ऐसे तोड़ डालिए, माफ़ कीजिए, सिर्फ दबाइए इस रेड बटन को और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये बेल को दबाना ना भूलें, ऑल कर दीजिए, और बस इतना ही आपको करना है, और ख़त्म, बाय बाय।